टाइनी पॉइंट ऑफ फ्लाइट, अजय अमर अविनाशी हूँ मैं, आत्मा निर्विकारी निरहंकारी और निरसंकल्प हूँ मैं, आत्मा कभी नहीं मरती, न आग मुझे जला सकती है, न पानी मुझे बहा सकता है और ना ही हवा मुझे उड़ा सकती है। मैं सदा थी, सदा हूँ और सदा रहूँगी। मैं आत्मा निडर हूँ, निर्भय हूँ, निर्वैर हूँ। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में परम धाम की रहवासी हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूँ। मैं भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ। लिविंग और लविंग कॉन्शियस बीइंग हूँ। परम धाम मेरा घर है, मेरा अपना घर जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है। और यहाँ पर सारी आत्माएं भाई भाई बाबा के समीप बैठी है। कितना अटूट रिश्ता है सभी में, बहुत सुंदर रूहानी रिश्ता है, अनकंडीशनल प्रेम, सुख का और आनंद का रिश्ता है। ये है मेरा बेहद का परिवार। मैं आत्मा जगत तंबा हूँ, वर्ल्ड मैन्युफैक्चर हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, जो अपने इस समय मरजीवा जन्म को पूरी तरह ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित करती हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान बाबा की बच्ची मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और यहाँ परम धाम में अशरीरी अवस्था में स्थित हूँ। मेरा यह सत्य स्वरूप कभी बदलता नहीं है। मैं और मेरा बाबा, मेरा बाबा और मैं, मेरे सारे संबंध, सारे नाते, सारे रिश्ते और सारी प्राप्तियाँ सिर्फ और सिर्फ एक शिव बाबा से है। जैसे मेरे बाबा वैसी मैं आत्मा हूँ। मेरे बाबा शांति के सागर हैं, सो मैं आत्मा मास्टर शांति के सागर हूँ। बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ, बाबा के संकल्प और बाबा के संस्कार, वो सब मेरे हैं। मन बुद्धि पर जो चल रहा है वो एक स्क्रिप्ट है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो मैं नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि से भी परे एक आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, प्योर लाइट हूँ। मैं आत्मा निर्वैर, बंधन से मुक्त, आजाद अवस्था में हूँ। ये संगम युग जब बाबा आकर के मुझ आत्मा को बताते हैं, बच्ची जागो, इस कुंभकर्ण की नींद से जागो, देखो मैं तुम्हारा बाबा आया हूँ,
जागू। बाबा मुझे कुंभकर्ण की नींद से जगाते हैं और एक कहानी सुनाते हैं, मेरे 84 जन्मों की कहानी बाबा मुझे सुनाते हैं। बाबा बताते हैं, बच्चे जब तुम यहां से सृष्टि रंगमंच पर उतरती हो तो तुम देवी देवता का कॉस्ट्यूम पहनती हो, जहां तुम सिर्फ और सिर्फ आत्मिक भान में रहती हो। कोई देह का भान नहीं, कोई अभिमान नहीं, ये जन्म तुम्हारा बहुत 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 सतो प्रधान जन्म है, जिसमें तुम पूरे समय आत्मिक स्थिति में रहते हो। ना कोई ईर्ष्या, ना कोई द्वेष, पांचों विकारों से मुक्त। बाबा मुझे बताते हैं, बच्चे तुम्हारे अगले रोल में तुम त्रेता युग में भी ऐसे ही सदा खुश रहती हो, आत्मस्थिति में ही स्थित रहती हो, सदा आत्मिक भान में रहती हो। धीरे 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 बाबा मुझे बताते हैं कि द्वापर में मन चंचल हो जाता है और तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। तुम अपने को देह समझना शुरू कर देती हो, जबकि तुम ये देह नहीं थी, तुम एक आत्मा हो। परंतु रावण की प्रवेशता होते ही तुम अपने आप को भूल जाती हो। लेकिन मैं आकर के तुम्हें जागृत करता हूं। तुम रावण के चंगुल में फंसकर बहुत दुखी हो गई थी और फिर तुम अपने आप की ही पूजा करने लगी। खुशी को ढूंढते ढूंढते तुम मंदिरों में भटकने लगी। जाने कहां कहां तुम अपने आप को सुखी करने के लिए भटकने लगे। लेकिन बच्चे, ये जो तुम मंदिरों में मूर्तियां देखती हो, ये भी तुम ही हो, जो तुम अभी चैतन्य में हो। तुम ही दुर्गा हो, अष्टभुजाधारी दुर्गा तुम ही हो। तुम ही वो महावीर हो, तुम ही हनुमान हो, तुम ही विघ्न विनाशक गणनायक गजानंद हो। बाबा मुझे आगे बताते हैं, बच्चे संगम युग पर तुम्हारा ब्राह्मण जन्म होता है, जहां पर तुम जागृत हो जाते हो, अपने आप को पहचानती हो कि तुम आत्मा हो और आत्मा भी बाप समान। जैसे मेरे बाबा वैसी मैं आत्मा हूं। बाबा का ज्ञान सुन सुनकर, मुरली सुन सुनकर मैं आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाती हूँ, जीवन बंधन से मुक्त हो जाती हूँ और बन जाती हूँ फरिश्ता। मैं आत्मा फरिश्ता बनकर सभी आत्माओं को फरिश्ता रूप में देखती हूँ। फरिश्ता माना जिसका मिट्टी से कोई रिश्ता नहीं, इस देह भान से कोई रिश्ता नहीं, पांचों तत्वों से बने हुए इस शरीर से कोई रिश्ता नहीं, ना शरीर से जुड़े संबंधियों से कोई रिश्ता। सारी आत्माएं एक समान। मैं फरिश्ता सभी आत्माओं को बाप समान देखती हूँ।
पांचों तत्वों को भी बाबा की लाइट से सागाश देती हूँ और पांचों तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। ऐसे मैं आत्मा अंत में फिर से परम धाम में अपने बाबा के पास उनकी गोदी में समा जाती हूँ। परम धाम में मैं आत्मा हर समय बाबा की कोख में बैठी रहती हूँ, जहां से माया के हर रंग रूप को देखती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ड्रामा का, जो सेकंड बाय सेकंड मुझ आत्मा की मदद कर रहा है यह याद दिलाने में कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। मुझे याद दिलाता है कि तुम आत्मा हो और बाबा मेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ड्रामा का। वाह बाबा वाह, वाह मैं आत्मा वाह, वाह ड्रामा वाह। ओम शांति।